बताए बच, यस ठीक है, तो वो बता दे रहे हैं आज स्कूल में ये चैप्टर हो गया। सर, लगभग हो ही गया। अच्छा, इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें बस सेपरेशन टेक्निक्स हमारा बचा हुआ है ना, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो हेडिंग डाल लो, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे, अलग अलग मेथड्स हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सेपरेट करने का। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस तो सेपरेशन हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने का मतलब कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कंपोनेंट मिक्स हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि मिक्सचर जो है वो जो भी उसमें इंडिविजुअल सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं, ठीक है, दो या तीन जितने भी सब्सटेंसेस मिक्स रहेंगे, वो मिक्सचर जो सभी के प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो हम लोग उसके कंपोनेंट को निकालना चाह रहे हैं ताकि हम लोग इफेक्टिवली क्या करें, एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए, तो इसलिए सेपरेट किया जाता है इसको, ठीक है। आसानी से हम लोग सेपरेट करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखोगे कुछ कुछ हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड्स भी होता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे कौन कौन सा फिजिकल मेथड्स होता है, हैंड एक पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग। हाँ हैंड पिकिंग तुम लोग पढ़े होगे कि अगर वो बड़ा साइज का जैसे राइस और स्टोन का मिक्सचर अगर तुमको दे देगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग स्टोन को हैंड पिक करके निकाल सकते हैं ना, अगर कंपैरेटिवली वो बड़ा साइज का होगा। या फिर उसका एक सीव आता है, उसके थ्रू भी तुम लोग कर सकते हो, सीव्स आता है ना जाली टाइप का जिसके यस थ्रू निकलता है, तो उसके थ्रू भी वो भी एक फिजिकल मेथड हो गया सेपरेट करने का। या फिर विनोइंग तुम लोग देखे होगे, उसको उड़ाया जाता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाता है, देखे हो विनोइंग, बहुत तेज है, या तो उसको हाथ से भी करते हैं, अब तो हाथ से होता नहीं है, बहुत तेज फैन चला दो या फिर बहुत तेज एयर वहां पे ब्लो करवा दो, तो क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स उड़ जाएंगे ना, देखे हो विनोइंग। यस सर। तो ये सब फिजिकल मेथड्स हो गए मिक्सचर को सेपरेट करने का, सीविंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, या फिर विनोइंग हो गया, एक तरह से हम लोग फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर यूज करके हम लोग सेपरेट करते हैं, देखा फिल्ट्रेशन भी किए होगे तुम लोग, फिल्टर पेपर का यूज करके हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, तो वो भी एक तरह से फिजिकल मेथड्स हो गया। कुछ कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि सारे मिक्सचर को हम लोग वो फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या, बताओ तो, अगर सारा मिक्सचर को चाहे हम लोग उसी मेथड से सेपरेट करने का, तो पॉसिबल है फिजिकल मेथड हम लोग अप्लाई करके सारे मिक्सचर को सेपरेट कर लेंगे, है क्या पॉसिबल, बोलो। नमस्ते। नो सर, तो उसी के लिए क्या होता है, हम लोग को कुछ कुछ स्पेशल मेथड्स का जरूरत पड़ता है सेपरेट करने के लिए, और वो स्पेशल मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इवापोरेशन होता है, सबसे पहले तुम लोग सुने होगे इवापोरेशन, इवापोरेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं बताओ, किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, बोलो तो। सर, कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से निकालने के लिए। मतलब यहाँ पे देखो इवापोरेशन में हमारा जो मिक्सचर होना चाहिए ना, उसमें एक कंपोनेंट जो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है, उस टाइप का अगर हम लोग कंसिडर करें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो होना चाहिए ये हमारा वॉलेटाइल होना चाहिए, वॉलेटाइल समझते हो, वॉलेटाइल, और ये जो सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल समझते हो या नहीं, बताओ। सर, वॉलेटाइल आसानी से किसी भी चीज को डिसॉल्व कर लेता है। डिजॉल्व नहीं करता, वोलेटाइल मतलब क्या हुआ, वो वेपर में जा सकता है, हीट करोगे ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वोलेटाइल हुआ, और नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर में नहीं जाएगा, समझो, तो उसका वेपर नहीं बना सकते हम लोग, क्लियर है। यस सर। तो इवापोरेशन का इवापोरेशन टेक्निक बेसिकली हम लोग इस टाइप के मिक्सचर के लिए यूज करेंगे, जहां पर सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल,
और सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो वॉलेटाइल होना चाहिए, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर है ना। यहाँ पे जब हीट करेंगे इसको हम लोग इवापोरेट करेंगे, मतलब हीट कर रहे हैं, अब हीट करेंगे तो देखोगे वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्ट जो है सॉल्यूट है। तो इस केस में देखोगे हीट करने से क्या होता है कि वाटर तो इवापोरेट कर जाता है, या फिर उसको छोड़ दोगे बहुत देर तक सनलाइट में तो वाटर तो इवापोरेट धीरे धीरे कर जाएगा, लेकिन सॉल्ट इवापोरेट करेगा क्या वाटर के साथ? बोलो, नो सर, सॉल्ट बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे सॉल्ट इन वाटर, इसके लिए इवापोरेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं। या फिर दूसरा जैसे डाई इन वाटर, डाई समझते हो ना, डाई जो कलर्ड पार्टिकल्स होता है उसका कंपोनेंट है वाटर में, उसका मिक्सचर हम लोग बनाए वाटर के साथ। तो इस केस में भी अगर इसको हीट करोगे, ये जो कलर्ड कंपोनेंट है डाई और ये वाटर में, तो इसको हीट करोगे, डाई यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो हीट करने से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो इवापोरेट हो जाएंगे आसानी से क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, तो वाटर इवापोरेट हो गया, लेकिन डाई के पार्टिकल्स जो है वो इवापोरेट नहीं हो पाते हैं, नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपर में नहीं बदल पाता है। तो डाई तो उसमें बचा हुआ रह जाएगा कंटेनर में जिसमें हीट कर रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इवापोरेट होकर निकल गया, तो इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना। तो समझ में आया तुम लोग को इवापोरेशन टेक्निक कहाँ पे यूज करना है, बताओ किस केस में यूज करोगे? जहाँ पे एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये इवापोरेशन टेक्निक यूज करना है सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट, मान ले तो वॉलेटाइल हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है फ्रॉम। हाँ बोलो सर, एक्चुअली मेरा ना एग्जाम चल रहा है स्कूल का, तो हम थोड़ा अभी ज्वाइन किए, तो सर आप इसको थॉट में बता सकते हैं क्या? आप बताएं। अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं, ये तो हम लिख रहे हैं बस। ओके ठीक है, बता दे, रुको। सर एक्चुअली ये मेरा सेकंड क्लास है, मैं अभी मतलब नए स्टूडेंट है यहाँ के। अच्छा, क्या नाम है? सर अक्षत राज। सर लास्ट क्लास तो किए थे। लास्ट क्लास तुम किए थे? यस सर। चलो ठीक है, तो अभी कौन सा स्कूल में एग्जाम्स चल रहा है? यस सर, वो मंडे जो टर्म टेस्ट जो होता है वो वाला। तो इतना लेट तक? यस सर, वो टाइम हो गया सबमिट करने में, लेट आई नहीं है कभी कभी। अच्छा, तुम लोग स्कूल जाके दे रहे हो ऑफलाइन क्या? सर ऑनलाइन। तो अब तो स्कूल खोल रहा है ना? यस सर। अगले वीक? यस सर, अगले वीक से, ये मंडे से। मंडे से खुल रहा है मेरा स्कूल। तुम लोग जा रहे हो? सर हम लोग को बस बोला गया स्कूल खुल रहा है, नोटिस नहीं भेजा। सर हम लोग को आज अभी नोटिस आया, लेकिन अपने से जाना होगा। जा पाएंगे तो जाएंगे, मतलब बस अवेलेबल नहीं कर रहा है स्कूल। अच्छा अच्छा, बस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। यस सर। खुद से तो वो कंपल्सन नहीं है ना कि अटेंडेंस दोनों मोड में होगा या सिर्फ ऑफलाइन होगा? सर दोनों मोड में। अच्छा, दोनों मोड में है। तो सारे स्कूल्स में तो अब तो ऑफिशियल नोटिस आ गया, तो सारे स्कूल्स तो खुल ही रहे होंगे अब क्या, या नेक्स्ट वीक तक सारे स्कूल्स खुल ही जाएगा? तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर जीजीपीएस 5। अच्छा, और अक्षत तुम्हारा? सर मेरा चिन्मय। चिन्मय, हाँ तो अब ऑफिशियल नोटिस आ गया तब खुलेगा ही। सिर्फ 9th एंड अबव खुला है ना, खुलेगा? यस सर। यस सर। वो भी कुछ टाइमिंग को लेके है ना, कि 12 बजे तक या उसके बाद? यस सर, 8 से स्टार्ट होगा, 8 PM से 12 बजे तक। 8 AM से 12 PM तक ना? यस सर। चलो ठीक है, खुला तो सही। तुम लोग खुश हो कि नहीं, स्कूल जाओगे या नहीं? सर कैसे जाएंगे, ये तो प्रॉब्लम। कैसे जाओगे, अब पहले जैसे जाते थे पहले स्कूल बस, अब वो तो और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल होंगे ना, देख लेना वो, आप अरेंज कर लेना आपस में जो है सर। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेपरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये देखो अक्षत, पहला जो मेथड हम लोग पढ़े हैं ये इवापोरेशन मेथड पढ़े हैं। तो इवापोरेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है? तो ऐसे मिक्सचर के लिए अप्लाई करना है जहां पे हमारा एक कंपोनेंट जो है
नॉन वॉलेटाइल हो, सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या, वो वेपर में नहीं जा सकता है, वो हीट करेंगे तो वेपर में उसका वेपर नहीं बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट ये वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे सॉल्ट इन वाटर है, तो इसको अगर हीट करोगे, इवापोरेशन करोगे इसका, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर बन के निकल गया, लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे क्या, वेपर बनेगा बताओ। नहीं सर, तो इस केस में क्या, सॉल्ट बचा हुआ रह जाएगा, वाटर वेपर बन के निकल गया तो सेपरेट हो गया। यस, उसी तरह डाई इन वाटर है, तो डाई जो होते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसका वाटर के साथ मिक्सचर बनाया गया, तो डाई तो वो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, ये हो गया इवापोरेशन टेक्निक, समझ आया। यस सर, चलो, तो इवापोरेशन टेक्निक हम लोग को वहां पे यूज करना है जहां पे हम लोग वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं, अगर इस टाइप का मिक्सचर है तो हम लोग इजिली इवापोरेशन यूज कर सकते हैं। एक और चीज, ऐसा नहीं है कि सॉलिड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन सॉलिड को क्या है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, समझो। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पहले तो वो या तो मेल्ट कर सकता है या डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, बहुत सारा केस होता है उसका, तो ऐसा नहीं कि वो वेपर में नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, और उसके कंपैरिजन में लिक्विड जो है वो आसानी से वेपर बदल सकता है ना, समझ रहे हो। एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो दोनों में पहले वेपर में कौन जाएगा, सॉलिड या लिक्विड बताओ। लिक्विड ठीक है, तो वो जनरली हम लोग बोलते हैं, तो उसी प्रिंसिपल को बेसिस मान के ये इवापोरेशन प्रोसेस है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन, हम लोग लिख सकते हैं, ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपोराइजेस इजली देन द सॉलिड। समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट जो टेक्निक है ये इवापोरेशन है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। नहीं, चलो, दूसरा जो टेक्निक है हमारा यह सेंट्रीफ्यूगेशन, पढ़े हो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन सुने हो या नहीं। सर सेंट्रीफ्यूगल सुने सर, ये वर्ड नहीं सुने। यस सर, सुने। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, देखो जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे क्रीम को मिल्क से सेपरेट, देखे हो क्रीम को जो सेपरेट किया जाता है मिल्क से, जिससे घी ऑब्टेन यस होता है, वो सर, प्रोसेस देखे हो, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है, द मतलब जो मैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट हाँ, तो करना। एक तरह से वो इमल्सन है मिल्क, ठीक है, उसका इमल्सन बोलते हैं, उसको बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है ना, बहुत तेजी से अगर घुमाओगे तो जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होके वो देखोगे लाइटर होता है, क्रीम जो होगा वो नॉर्मल, वो जो लिक्विड होता है उसमें उससे लाइटर होगा, तो बहुत तेजी से बहुत ही फास्ट उसको रोटेट किया जाता है, रोटेट करने से देखोगे वो क्रीम जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ गया है ना, और जो यस हैवियर पार्टिकल्स होता है उसमें वो देखोगे नीचे सेटल हो जाता है, डेंसर पार्टिकल्स जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे ही रहेगा, जो लाइटर पार्टिकल्स वो ऊपर आ गया। तो ये बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है ना सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो डेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है, कि डेंसर पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में रह जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं जब उसको बहुत तेजी से हम लोग घुमाएंगे, तो ये है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं बताओ, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इसको साथ में ही लिख लेना तुम लोग, इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, मतलब वो नीचे रह जाएगा, ठीक है, एंड द लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल समझते हो ना, जिसका डेंसिटी कम होगा, स्टे एट द टॉप व्हेन
रैपिडली, बहुत तेजी से जब हम लोग उसको घुमाएंगे, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, समझ आया? ठीक यस सर। इसका एग्जांपल अगर तुमसे पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहाँ अप्लाई करते हैं, तो एग्जांपल क्या लिख लोगे? क्रीम, मिल्क से जो क्रीम निकाला जाता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है? अभी क्या बोले, रिपीट कीजिए ना। क्या बोले, आवाज नहीं आया क्या? सर कट गए थे सर, क्या बोले? वो सेंट्रीफ्यूगेशन सुने या नहीं? सुने हाँ। बस वही बोले, एप्लीकेशन अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, तो मिल्क से जब हम लोग क्रीम को सेपरेट करते हैं ना, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? तो एक एग्जांपल ध्यान रखो इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पूछा जाएगा, और तुमको जैसे मिक्सचर है तो उसमें पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा प्रोसेस। अभी सारे प्रोसेस पढ़ लेंगे तो अपने आप तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करना है। चलो दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, और भी बहुत जगह एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का। जैसे एक तो ये हो गया, इसके मेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है? जो ब्लड टेस्ट तुम लोग कराने जाते हो, देखे हो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही वो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का रीडिंग मिलता है, कितने कंपोनेंट्स ब्लड में होता है ना, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो उसका काउंट कैसे पता चलता है? तो बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही अप्लाई किया जाता है वहां पे, ठीक है? तो इसका और भी यूजेस है, एप्लीकेशंस है, तो ये डायग्नोस्टिक हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख लो, यूज्ड इन ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ठीक है? डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, सर आप ऊपर एट द टॉप व्हेन स्पन लिखे कि क्या लिखे है वो? व्हेन स्पन रैपिडली, ओके सर। ठीक है? तो ब्लड और यूरिन टेस्ट जो होता है वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ऊपर ही है, ठीक है? तो दूसरा एप्लीकेशन यह हो गया, या वॉशिंग मशीन में जो देखे हो ना, वाटर जो जब उसको ड्राई करते हैं, ड्रायर यूज करते हैं, यूज किए हो गए ना सब लोग, यस सर। तो जब वाटर स्क्वीज किया जाता है, जब ड्रायर यूज करते हैं, तो जो भीगा हुआ कपड़ा है उससे वाटर क्या होता है, बाहर स्क्वीज हो जाता है ना, तो वो भी बेसिकली बहुत तेजी से वो स्पिन करता है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो गया, स्क्वीज आउट हो जाता है, तो वो भी एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ वो भी एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू सर ये स्क्वीज आउट। एग्जांपल नहीं समझ में आया सर, मतलब ये कैसे सेंट्रिफिकेशन से रिलेटेड है? क्या सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड है मतलब? तो ये थर्ड एग्जांपल जो वॉशिंग मशीन का होता है, इसको एक बार फिर से बताइए ना। वो बहुत तेजी से घूमता है ना, यस सर। तो घूमेगा तो क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स, वो कपड़ा हैवी होता है ना, तो उससे वाटर क्या हो जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा, यानी वाटर को वो यस खींच ले, वो डेंसिटी की वजह से है ना, जो लाइटर डेंसिटी का वो निकल जाएगा उससे बाहर, सेपरेट आउट हो जाएगा, वो टॉप स्क्वीज आउट होके वो बाहर निकल जाएगा, बहुत तेजी से अगर घुमाएगा, वही चीज हो रहा है ना यहाँ पे सारे जगह पे, जैसे क्रीम और मिल्क कैसे सेपरेट हो रहा है, मिल्क को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वो क्या होता है, जो क्रीम होता है वो लाइटर होता है तो वो ऊपर आ जाता है, और जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाते हैं जो हैवियर है, वैसे ही इसमें भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी, वेट क्लॉथ्स है ना, वेट यस क्लॉथ्स को बहुत बहुत तेजी से घुमाएगा, तो उससे क्या होगा, वाटर स्क्वीज आउट होगा, और ड्राई जो क्लोथ्स जो ड्राई हो जाएंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे वाटर से। तो यस सर हाँ। बेसिकली वही है, बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पे, वो एप्लीकेशन वही है कि बहुत तेजी से जब रैपिडली घुमाते हैं उसको, ठीक है,
तो फिर ये प्रोसेस होता है कि उसके जो डेंसिटी के बेसिस पे वो पार्टिकल्स जो होते हैं, मिक्सचर्स जो होते हैं, उसके कंपोनेंट सेपरेट होने लगते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी है, जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो हेवियर पार्टिकल्स होगा वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरह से वो सेपरेट होता है। अगर सेम डेंसिटी का होगा तो फिर नहीं सेपरेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? फिर तब क्या होगा, उसी के साथ चिपक जाए, मतलब रहेगा उसी के साथ। तो दोनों एक ही साथ रहेंगे सेम डेंसिटी में, फिर कोई लेयर नहीं हो पाएगा ना, कि इस लेयर के बाद वो सेपरेट सेपरेट कोई उसमें परमानेंट लेयर नहीं आ पाएगा ना, कि इस लेयर के ऊपर लाइटर पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर हैवियर है, उसके नीचे हैवियर है, तो कोई बाउंड्री नहीं मिलेगा ना उसमें कुछ। तो उसमें हम लोग ये, ठीक है, तो उसमें ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे, फिर अलग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली इन सब में ये एप्लीकेशन तो है। यहाँ पे क्रीम फ्रॉम मिल्क लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ये सब एप्लीकेशन हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, ये तुम लोग पढ़े हो गए, सेपरेटिंग फनल। जब हमको सेपरेट करना है दो इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स सुने हो, यस किसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स? जो एक दूसरे से मिक्स ना हो, एक दूसरे जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, इमिसिबल लिक्विड्स बनाते हैं। एग्जांपल दे सकते हो इमिसिबल लिक्विड्स? हाँ, सर, ऑयल सर, ऑयल एंड ऑयल, वाटर। ऑयल एंड वाटर। तो बेसिकली यही है, इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए देखोगे सिंपली सेपरेटिंग फनल यूज कर लेंगे हम लोग, देखे होगे ना, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड अगर होगा तो उसमें देखो एक तुमको बाउंड्री दिख रहा होगा कि इसके ऊपर ऑयल होगा। जैसे ऑयल और वाटर मिक्स करोगे तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री दिखता है ना, ऑयल नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है, और वाटर क्या होता है, नीचे रहता है। तो वो डेंसिटी की यस वजह से ही सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑयल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जैसे ऑयल को, अगर ऑयल और वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे बहुत देर तक, तो क्या होगा, देखोगे सारे ऑयल कहाँ आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे या नहीं, यस सर यस और वाटर नीचे रह जाएगा। तो उसमें पर्टिकुलर तुमको एक लेयर दिख रहा होगा कि इस लेयर के बाद जो है ऑयल है और उसके नीचे सारा वाटर है, दोनों मिक्स तो होंगे नहीं कभी। तो हम लोग वाटर को सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लिए, नीचे से निकाल देंगे जहां तक वाटर है, उसके बाद बंद कर देंगे, बाकी जो बच गया वो ऑयल है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली सेपरेटिंग फनल यूज करके हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो भी डेंसिटी की वजह से ही है। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द डिफरेंस इन डेंसिटीज, ठीक है, डिफरेंस इन डेंसिटीज लिख लो ऐसे, ऑफ द टू लिक्विड्स, जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर यहाँ पे ये लिखना है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स ड्यू टू विच दे सेपरेट आउट इन लेयर्स, ऐसे लिख लेना कंप्लीट, दे सेपरेट आउट इन लेयर्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बता सकते हो तुम लोग, एग्जाम्पल एक बता दो। ऑयल एंड वाटर को हम लोग सेपरेट करते हैं इससे, यस और नो? यस सर अक्षत, यस सर चलो लिख लिए इसको। तो तीसरा मेथड ये हो गया हमारा, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग बस सेपरेटिंग फनल से उसको सेपरेट कर देंगे।
एनसीईआरटी में देखोगे तुम्हारे बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, वो सेपरेटिंग फनल वाला, एक स्टॉप कॉक यूज करते हैं हम लोग। तो दो ऑयल का लेयर ऊपर है देखोगे, उसके बाद नीचे वाटर रहता है, तो हम लोग नीचे से वाटर को रिमूव कर रहे हैं, और जहां तक पूरा वाटर जब निकलने वाला होगा तो वो स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे हम लोग। नोजल टाइप का रहता है, उसको बंद कर दोगे तो बाकी जो बच गया वो वाटर निकलने के बाद वो ऑयल हमारा बचा हुआ रह जाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। चलो तो ये हो गया हमारा ऑयल इन वाटर वाला सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को और भी जगह हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन में ओर को सेपरेट करना रहता है इम्प्यूरिटीज से, तो भी हम लोग ये सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी मेथड्स हैं इसके, मतलब और भी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये सब यूज होता है, अभी फिलहाल के लिए इतना बस देखो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सुने हो सब्लिमेशन? सब लोग यस सर, सब्लिमेशन कहाँ पे यूज करना है हमको? सब्लिमेशन प्रोसेस पहले क्या होता है ये बताओ तो। डायरेक्ट चेंज सॉलिड टू गैस। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड्स टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे। तो सब्लिमेशन में भी हम लोग वही यूज करेंगे, हीट करेंगे उसको। ठीक है, उसमें एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होने चाहिए हमारा, जो भी मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो सब्लाइम हो सके आसानी से, डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि नॉन सब्लिमेबल होगा, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल इसका दे सकते हो सब्लिमेशन का, कहाँ पे यूज करते? कैंफर, NH4Cl, हाँ, सब्लिमेबल आयोडीन। सब्सटेंसेस का एग्जांपल ये ध्यान रखना है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। कैम्फर तुम लोग सुने होगे, कपूर जिसको बोलते हो, पूजा में यूज होता है ना। यस सर, और नेप्थलीन बॉल्स देखे होगे तुम लोग, यस सर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं कुछ कुछ। एंथ्रासीन क्या होता है? वो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। वो हम पढ़ोगे आगे, ठीक है, क्लास 11-12 में जाओगे तो वो स्ट्रक्चर देखोगे एंथ्रासीन। ओके सर, ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखो, NH4Cl, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। तो जैसा तुमको दे दिया गया कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है, NH4Cl और प्लस सॉल्ट NaCl, ठीक है, NH4Cl और NaCl यूज किया गया, तो इसको हमको सेपरेट करना है, कॉमन सॉल्ट है ये, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्टली सब्लिमेशन कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो। यस सब्लिमेशन हम लोग कर लेंगे उससे, NH4Cl क्या है, ये वेपर बन के डायरेक्ट वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो निकल जाएगा, और सॉल्ट जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। यस और नो? यस सर, चलो ऐसे तो ये क्या होता सर? एक क्वेश्चन है बोलो। सर, नेप्थ हम लोग तो वो देखे हैं जो कैम्फर तो डालते हैं तो हीट करते हैं तो वो मतलब डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं, तो सर ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ कैसा केमिकल डाला, मतलब उसमें कुछ लिक्विड, मतलब वो लिक्विड से नहीं बना है? लिक्विड से नहीं बना है, और लिक्विड फेज में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फेज में नहीं जा पाएगा, सर मतलब वो नहीं, मेल्ट वो यस सर मेल्ट आप नहीं हो वो, पाता, मेल्ट यस सर, नहीं होता, वो डायरेक्ट उसका जो वेपर में जाने का टेंडेंसी है ना, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से वो ज्यादा कम होता है, मतलब उसका जो वेपर पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली जो वेपर में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो, वो उसका मेल्टिंग यस पॉइंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, वो पहले वेपर में ही चला जाएगा ना, मेल्ट करने से पहले ही वो वेपर में चला जाता है, यस सर, मतलब समझ। उसका जो, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो पहुंचता ही नहीं कि वो उससे अधिक चल जाता है एक बार में?
वो पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो ऐसा होता है। ओके पहले ही वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट सर, मेल्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही वो वेपर में चला गया। तो सर साइंटिस्ट को ऐसा एक्सपेरिमेंट किए मतलब वो मेल्ट हो सके, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा सके। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा सके, उसको सॉरी सर, मेल्टिंग पॉइंट। कंट्रोल्ड वे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि उसके वेपर को बाहर नहीं जाने दें, है ना, उसको वहीं पे कलेक्ट करके रखें, ऊपर से हम लोग पैक कर दें, उसको बाहर नहीं जाने दें और कंटिन्यूअसली उसको हीट करते रहें, तो फिर उसका लिक्विड हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके सर, समझ रहे हो, कंट्रोल्ड वे में। जब वेपर बाहर नहीं जा पाएगा तो वेपर तो वहीं रहेगा ना, तो यस वेपर वापस फिर कंडेंस होगा, उसको कंटिन्यूअसली हम लोग हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तब तो वो कभी ना कभी तो मेल्ट करेगा ना, अगर उसके यस वेपर को हम लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो। ओके सर, ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पढ़े हो? नहीं हम्म, सर, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वैसे सॉल्यूट्स जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट्स which dissolve in the same solvent। ठीक है, same solvent में, जैसे ये colors के separation में use किया जाता है, used in the separation of colors, used in the separation of colors। जैसे देखो कलर्स का कैसे, जैसे डाई होता है, कोई भी डाई अगर लोगे तो वो मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखे होगा ना तुम लोग, जो भी डाई है उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, यस और नो? यस उसके उसके कलर्स को हमको सेपरेट करना है। ठीक है, अब डाई का तुम, डाई को तुम वाटर में मिक्स कर दो। ठीक है, तो डाई का सॉल्यूशन हम लोग वाटर के साथ किए हैं, अब डाई में जो जो कलर्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं कलर के, उनको हमको इंडिविजुअल कलर्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जो कलर्स होते हैं, इसमें देखोगे एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक तुम यहाँ पे फिल्टर पेपर ले लोगे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना, देखोगे एनसीईआरटी में है सबके पास बुक, यस सर, एनसीईआरटी में देखना, ये फिल्टर पेपर इस साइज का ले लेना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे एक कुछ पॉइंट, कुछ दूर पे नीचे से एक पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, एक लाइन ऐसे मार्क कर दिया, और यहाँ पे वो डाई हम लोग ले लिए। ठीक है, डाई का एक दो ड्रॉप यहाँ पे डाल दोगे जिसको सेपरेट करना है, और इसमें हम लोग वाटर ले लिए यहाँ तक, ये फिल्टर पेपर को तुमको डिप करना है वाटर में। ठीक है, यहां तक कर दिए, और इसको बीकर में ऐसे रखे हैं हम लोग, ये पूरा पैक कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे देखोगे, चलो अच्छे से बना देते हैं, ये है हमारा फिल्टर पेपर। ठीक है, उसको क्लैंप करके एक ये इस तरह से बीकर ले लो, यहाँ पे ये बीकर ले लिए, अब ये फिल्टर पेपर में हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करो, एक ड्रॉप यहाँ पे इंक यहाँ डाल दो, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डाल दो, और इसको पानी में ऐसे करके घोल देते हैं, पानी में डिजॉल्व कर देते हैं, फिल्टर पेपर को पानी में डाल दोगे। ठीक है, ये वाटर, समझ गए, यस सर, ये वाटर है हमारा, और इसको यहां से पूरा बंद कर दो,
ये यहाँ पे इसमें भी क्लिप लगा के इसको पूरा यहाँ से क्लिपिंग करके बंद कर देते हैं। सर जहाँ पे डाई गिरा है वहां तक वाटर को पहुंचने नहीं देना है। अरे तो ये फिल्टर पेपर तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ही ना, तो वहां पहुंचेगा यस ही, तो धीरे धीरे पहुंचेगा। इसको तो छोड़ देना है तुमको, ठीक है। ओके ये वाटर है, यहाँ पे क्या स्पॉट ऑफ इंक है या डाई जो भी है, जो मिक्सचर ऑफ, ठीक है, स्पॉट ऑफ इंक डाल दिए। और ये स्ट्रिप है फिल्टर पेपर का, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। अब इसको तुमको रात भर छोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, ये फिल्टर पेपर पानी अब्जॉर्ब करेगा और पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब इसमें देखो, ये हर एक कलर का जो भी उसमें इंक में जो जो भी कंपोनेंट होंगे कलर्स के, दो जो भी कलर्स का वो मिक्सचर होगा, तो हर एक कलर का जो सॉलिबिलिटी होता है ना सॉल्वेंट में, वाटर में, जैसे यहाँ सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो हर एक कलर का सॉलिबिलिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो कलर पानी में मोर सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ आगे बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। जो यस सर कलर ज्यादा सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, वाटर में, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ आगे मूव करते रहेगा ना ऊपर तक। और जो सॉल्वेंट, हर एक कलर का सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो देखोगे तुमको यहाँ बहुत सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है, वो सॉल्वेंट के साथ बहुत ऊपर तक चले जाएगा। जो उसके बाद कम सॉल्युबल होगा वो उसके नीचे मिलेगा, जो सबसे लिस्ट सॉल्युबल है वो सबसे नीचे मिलेगा। जैसे मान लो तीन कलर का मिक्सचर है, तो ये जैसे ए बी और सी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये ओवरनाइट छोड़ने पे हमको ये तीन यहाँ पे कलर्स अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में मिल गए। तब इसका क्या मतलब हुआ कि सब तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा कलर था पानी में, बता सकते हो ए बी और सी में कौन मोर सॉल्युबल होगा। सर 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 इंक क्या इंक, क्या हम पूछ रहे हैं, इंक जो है वो तीन कलर से मिलके बना हुआ है, ए बी और सी तीन कलर का मिक्सचर है उसमें, ठीक है। ओके तो सर जब हम लोग ओवरनाइट छोड़े हैं उसको, तो तीनों कलर सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने पे अलग अलग पोजीशन पे मिला, ए का पोजीशन ऊपर था सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे बी मिला, फिर उसके नीचे सी मिला। तो वाटर में मोर सॉल्युबल कौन सा कलर है, सी सी, क्यों, क्या बोला गया है कि जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी के साथ बहुत ऊपर तक जाएगा ना। यस सर तो सबसे ऊपर तक कौन गया है, सर ए ए, तो ऑब्वियसली वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो रहा होगा ना, तभी तो वो वाटर के साथ ऊपर तक चढ़ा है, सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है वो, यस और नो। यस सर जिसका सॉलिबिलिटी कम होगा पानी में, जो कलर कम सॉलिबल होंगे, तो वो तो नीचे ही मिलेगा, जिसका सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर मिलेगा हमको। बात समझ आया। यस सर ए बी और सी में अगर तुमसे पूछा जाए सबसे मोस्ट सॉलिबल कलर कौन सा था वाटर में, ए ए, सबसे ए लिस्ट लिस्ट सॉलिबल कौन सा है, सी सी सी, ठीक है। तो ऐसे ये प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि द कलर्स विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड एंड ऐसा लिख सकते हैं, एंड गेट्स द कलर्स सेपरेटेड इनटू लेयर्स, ठीक है। समझ आया।
अलग अलग कलर का लेयर तुमको उस तरह से ए बी और सी, जैसे यहाँ पे तीन लेयर मिल रहा है हमको, तो इंक जो है उसमें तीन कलर के मिक्सचर्स उसमें अवेलेबल थे, ठीक है, तीन कलर कंपोनेंट्स उसमें थे, तो वो तीनों कलर कंपोनेंट्स उसमें सेपरेट हो गया। जो कलर पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो पानी के साथ बहुत ऊपर तक राइज कर सकता है। जो कम सॉल्युबल होगा वो उतने ऊपर तक राइज नहीं हो पाएगा, तो उसका पोजिशन देखोगे सबसे नीचे मिलेगा। यस और नो? यस सर, यस समझ आ, समझ आया आयुष? यस सर, आयुष ये क्लास नहीं कर रहा है, आयुषी, यस सर, सैली, यस सर, सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर, ये जो ए आप बताया, मतलब जो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में वो वाला, मतलब वो जो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल वाटर में वो कलर वो टॉप पे होगा, तो सर अगर ए के जैसा, मतलब एक ही कलर तो नहीं, बहुत सारा जो मतलब सॉल्यूट है जो सॉल्यूबल होगा सॉल्वेंट में, तो सर अगर ए जैसा अगर और बहुत सारा हो तो क्या वो तीनों टॉप पे कैसे रहेगा, मतलब हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? अरे हर एक कलर का तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उनका सॉलिबिलिटी सेम हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना हर एक कलर। अगर हम लोग को पता है कि ये कलर मतलब सॉल्यूबल है, और हम अगर उसका हम मिक्सचर बना के उसपे पॉइंट रखे, मतलब एक दो बूंद, और सर जब टेस्ट किए तो सर कैसे रिप्रेजेंट होगा वो? क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हम। मतलब जैसे सर आप बताए, जैसे जो ज्यादा सॉल्यूबल होगा वो तो टॉप पे होगा जैसे ए है, तो सर ए जैसा सेम टू सेम अगर और बहुत सारा कलर है जो सेम टू सॉल्यूबल सेम कैसे हो सकता है यार, हर एक कलर का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा ना, सर, थोड़ा मतलब बहुत तो क्या सॉल्यूबल मतलब, तो होगा ना, सॉल्युबल होगा तो सॉल्युबिलिटी सेम थोड़ी ना होगा। जैसे ग्रीन और ब्लू कलर है, उनका सॉल्युबिलिटी सेम होगा क्या? नहीं सर, दोनों अलग अलग कलर हैं तो प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होंगे ना उसका, एक ग्रीन का सॉल्युबिलिटी कुछ और होगा, ब्लू का सॉल्युबिलिटी कुछ और होगा। उसमें से ग्रीन हो सकता है कोई कलर ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कलर कम सॉल्युबल होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना उनके सॉल्युबिलिटी में। यस सर, ऐसा थोड़ी कि सेम सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। अगर एग्जैक्टली सेम है तब तो सेम ही कलर यूज कर लिया हम लोग, रेड ही। एग्जैक्टली सेम थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, यस सर, ग्रीन ब्लू रेड येलो कुछ भी लो तो सब में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, तभी तो वो सेपरेट होंगे। अगर सब सारे कलर का प्रॉपर्टी सेम होता, एक जैसा सॉलिबिलिटी होता, तो फिर सेपरेट कैसे कर पाते हम लोग, कर पाएंगे क्या? नहीं सर, तो फिर वो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। अलग अलग सब्सटेंसेस हैं तो ऑब्वियसली उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। तो इस क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है बताओ। पहला एप्लीकेशन तो हम लोग पढ़ लिए, कलर्स, सेपरेशन ऑफ इंक में, कलर्स इन ए यस डाई, डाई में जितने भी कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। दूसरा यहाँ पे लिख लेना, ये सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ कलर्स इन ए डाई। दूसरा ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड में जब बहुत हाई अमाउंट में अगर ड्रग्स आ जाएगा, ठीक है, ड्रग्स वो किसी भी सोर्स में हो सकता है, मेडिसिनल ड्रग्स भी हो सकते हैं, तो उसको अगर सेपरेट करना है तो ये हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सॉलिबिलिटी के बेसिस पे होता है, कुछ ड्रग्स जो होते हैं या कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल होता है, कुछ कम होता है, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे ऊपर मिल जाएगा हमको, जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे मिलेगा, समझ रहे हो ना? जैसे कलर्स को सेपरेट कर यस रहे हैं उसी तरह वैसे ही। सर, मतलब ड्रग से ब्लड को सेपरेट की, तो उससे सर उससे हम लोग करते क्यों है उसको सेपरेट, क्या होता है उससे, मिलता क्या उससे?
ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। तो सर ऐसे लिटमस पेपर में रख रख के कैसे प्यूरिफाई करके फिर अंदर बॉडी में डाल सकते हैं? अरे अंदर बॉडी में क्यों डालना है यार, वो चेक करना चाह रहा है ना कौन कौन सा ड्रग्स है। ड्रग टेस्ट नहीं देखे हो? कैसे होता है नहीं ड्रग सर। टेस्ट? ड्रग डिटेक्ट कैसे होता है? कौन कौन सा ड्रग्स कोई लिया है? डोप टेस्ट देखते हो? प्लेयर्स का डोप टेस्ट होता है या ड्रग टेस्ट होता है? कोई भी अभी ओलंपिक इवेंट हो रहा है तो हर एक प्लेयर का डोप टेस्ट होगा ना, कोई ड्रग्स लेके चला जाएगा खेलने के लिए, बहुत सारे लेते हैं तो उसको थोड़ी ना एंट्री मिलेगा, वो तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा ना। यस तो वो टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि ये कोई ड्रग्स लिया है या नहीं, तो उसको बॉडी में थोड़ी ना डालना है, वो तो टेस्ट करना है ना उसको। यस सर। चलो तो तुम लोग देख रहे हो ओलंपिक्स या नहीं? अभी तक कितने मेडल्स आए इंडिया को अभी तक बताओ तो। सर शायद एक सर रेसलिंग रेसलिंग में नहीं, वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग अभी एक हुआ है, और भी कंफर्म हो चुका है, एक दो तो और कंफर्म ही है, अभी तो उसका इवेंट्स सर। बाकी है। पीवी सिंधु से आर्चरी पीवी सिंधु है और एक, में दीपिका है शायद उनसे। नहीं, वो तो बाहर हो गई, एक बॉक्सिंग में है शायद लवलीना करके, वो आसाम की, उसका भी क्लियर हो गया तो वो ब्रॉन्ज हो गया कंफर्म। अभी एक फाइट बाकी है दो और। नहीं तुम लोग फॉलो करते हो? ओलंपिक्स का तो देखते नहीं है क्यों सिर्फ क्रिकेट ही देखते हो? सर, वो स्पोर्ट्स का उनको पसंद नहीं, स्पोर्ट्स ही नहीं देखते हैं। सर हम सब देखते हैं सारे स्पोर्ट्स सर वो अच्छी जो बात। अच्छा सर डिस्कवरी और सोनी सब देखते हैं बस। उनको बेयर ग्रिल्स बनना है, मतलब नहीं सर वो खाता है तो देखते कैसे खाता है। वही है तुम्हारा रोल मॉडल, नहीं सर वो नहीं, उसके नहीं बनना है उसके तरह। नहीं सर क्यों? बहुत गंदा तरीके से कमार के खाता है सर, मतलब इतना मतलब वो खा जाता है पूरा खून लगा रहता है, अजीब टाइप का दम सर। तो वो तो ऐसा तो सिर्फ वो दिखाने के लिए करता है सर। बताना चाह रहा है ना कि एडवर्सिटी में कैसे सरवाइव करना है, मतलब तुमको अगर भेज दिया जाए जंगल में तो कैसे तुम सरवाइव करोगे? लेकिन सर वो तो ब्रिटिश में ये कर्नल भी तो रह चुका है, इसलिए इसको ज्यादा कुछ पता है सर, हम तो लोग नहीं उसके है। लिए ऐसे थोड़ी ना भेज दिया जाएगा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, ऐसे किसी को थोड़ी ना भेज दिया जाएगा। सर वो अमेरिकन आर्मी में था ना पहले। हाँ वो तो आर्मी प्रोफेशनल है, बहुत तगड़ा उसका ट्रेनिंग है, वो है ऐसे, वो थोड़ी है नॉर्मल इंसान हम लोग की तरह। यस सर उसका मतलब कितना बोन टूट गया था वो सर, जम किया था उसके 3 महीने बाद एवरेस्ट चढ़ गया फिर। उसका बहुत सारा केस है, वो बहुत सारा वो कर चुका है ये सब कारनामा, लेवल अलग है उसका, छोड़ो। चलो तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन, इसके बारे में बताओ कोई। ये मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इमिसिबल लिक्विड्स को तो हम लोग आसानी से सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लिए, लेकिन अगर तुमको दे दिया जाए दो या तीन चार मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स हो गए, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स डेट बॉयल
विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन होने से पहले ही वो बॉइल कर जा रहा है, ठीक है, एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, वैसे मिसेबल लिक्विड्स, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है ना एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा तब तो उसका वेपर एक ही जगह मिलने लगेगा, है ना, उसके वेपर्स जो है अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर पे उसका वेपर बनना चाहिए, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जब तक सफिशियंट डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम लोग ये डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं अभी। इसमें एक और डिस्टिलेशन होता है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका बहुत ही कम डिफरेंस है, वैसे लिक्विड्स, वैसे मिसेबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम डिफरेंस होता है उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, समझ आया। तो जैसे अभी हम लोग ये नॉर्मल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिस्टिलेशन में इसमें एग्जांपल है जैसे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, एसीटोन प्लस वाटर, तो इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो है ना कंसिडरेबल डिफरेंस है, ठीक है, एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में कंसिडरेबल डिफरेंस होता है, तो इसको हम लोग डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। समझ आया बात? यस। हेलो, जिसमें एसीटोन का देखोगे बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है तो वो पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर से वेपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है तो ये पहले वेपर में कन्वर्ट होके वो वेपर बन के निकल गया, सेपरेट उसको अलग से हम लोग कलेक्ट कर लिए और वाटर जो है बचा हुआ रहेगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं डिस्टिलेशन? देखना एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, हम लोग हीट करना स्टार्ट किए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग अलग से सेपरेट कर लिए, उसको कंडेंस करके वापस एसीटोन बना लिए लिक्विड में, ठीक है, उससे वाटर हमारा सेपरेट हो गया और एसीटोन सेपरेट हो गया। समझ आ रहा है बात? यस सर। तो ये हो गया डिस्टिलेशन। अब इसी में होता है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताओ? कौन बताएगा इसको? अक्षत बताओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज करेंगे? सर जैसे सर वो सर मतलब सर सर को क्या बोलते हैं सर को, सर कोयला और सर जो ब्लैक कलर का क्या बोलते हैं उसको सर, जो जमीन से याद नहीं आ रहा सर उसका नाम, कोल। यस सर, कोल का, सर कोल को मतलब बिना ऑक्सीजन के हीट करेंगे तो क्या करेंगे उसको फिर? सर हीट करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट, पेट्रोलियम देखे होगा ना, रॉ पेट्रोलियम जो होता है उससे बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग मिलते हैं, पेट्रोल डीजल लुब्रिकेंट्स मिलता है उसमें, वैक्स मिलता है, कोल टार मिलता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को, वो सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, पेट्रोल अलग टेम्परेचर पर मिलेगा, वे डीजल अलग मिलता है, फिर वैक्स मिलता है, कोल टार मिलता है, इस तरह से मिलता है ना बहुत सारा चीज, तो वो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब हम लोग उस टाइप के मिक्सचर के लिए यूज करेंगे टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होना चाहिए ना
शुड बी लेस देन 25 केल्विन. तो दो या दो से ज्यादा लिक्विड अगर है, मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो उनके डिफरेंस जो होने चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन से लेस है, बिलो है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर इससे ऊपर डिफरेंस है तब तो हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होगा तो फिर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए. तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, एग्जाम्पल बता सकते हो? एयर के, एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए, द सेपरेशन ऑफ. हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है. तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, पहला ये हो गया. दूसरा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला जो तुम लोग को बताए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट. क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम से हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी देखोगे एक सेटअप दिया हुआ है तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में, देखना, देखे हो? यस सर, देखो. कंपोनेंट ऑफ एयर को सेपरेट करने के लिए देखना, बहुत लंबा चौड़ा वो एपरेटस यूज किया जाता है. बेसिकली वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है, वो अलग अलग गैसेस को लिक्विफाई करके ना लिक्विफाइड फॉर्म में रखा जाता है, फिर उसको वेपर बनाया जाता है. ठीक है, तो उस तरह से है वो. और अलग उनका डिफरेंस जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, जो एयर का लिक्विफाइड एयर जो होगा उसमें जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, गैसेस हैं, उन सबका डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है ये 25 केल्विन से कम होता है, तो इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. अक्षत सर एक मिनट, थोड़ा ऊपर कीजिए ना क्या करें बोलो सर, बस एक मिनट सर, पढ़ना है इसको. सर डिकम्पोजिशन का मतलब पता है, लेकिन सर इसमें डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? डिकम्पोज नहीं कर रहा है कोई भी, डिकम्पोज मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट रहा है. ठीक है, जैसे मतलब किसी को हीट किया हम लोग तो वो डायरेक्ट पूरा पूरा वो वेपर में चला गया, समझ रहे हो? वो लाइटर पार्टिकल्स में नहीं जा रहा है. जैसे कोई सब्सटेंस A2 है, उसको हम लोग हीट किए, या AB है, तो उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो ए और बी में सेपरेट नहीं हो रहा है. ठीक है, वो छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज नहीं कर रहा, डायरेक्ट वो वेपर में चला गया, ए भी पूरा पूरा वेपर में चला गया. ओके सर. ठीक है, तो वो उस टाइप से डिकम्पोजिशन. ठीक है, ओके सर. तो ये सारा इसका एप्लीकेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया नॉर्मल, और क्या बच गया? क्रोमेटोग्राफी हम लोग कर ही लिए, एक और लास्ट बचा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन. देखोगे तुम लोग क्रिस्टलाइजेशन, देखे हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बताओ जल्दी से, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी तुम लोग पढ़े होगे.
सर याद नहीं आ रहा है सर, सिक्स सेवेंथ में पढ़े थे सर। ये सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने का तरीका है, सॉलिड्स से जो इम्प्यूरिटीज है ना वो हटाते हैं हम लोग, जो डिसॉल्वड इम्प्यूरिटीज उसमें रहते हैं उसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग उससे, प्योर क्रिस्टल में मतलब ऐसे नॉर्मल क्रिस्टल लोगे किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का, देखोगे उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज डिसॉल्वड फॉर्म में रहते हैं, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसमें जो इम्प्यूरिटीज डिसॉल्वड फॉर्म में है उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यूज टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम सॉलिड एंड प्यूरिफाई इट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, ये क्या करता है, इट सेपरेट्स, ऐसे लिख लेना, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड, जो प्योर सॉलिड के कंपोनेंट होंगे वो मिक्सचर से सेपरेट हो जाएंगे, देखोगे क्रिस्टल बन के वो मिक्सचर से सेपरेट होते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और बाकी जो इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटीज जो रहेंगे, समझ रहे हो बात, वो इम्प्योरिटीज देखोगे वो उसी में रह जाएगा, वो उसका क्रिस्टल बन के बाहर नहीं निकलेगा, जो प्योर सॉलिड होगा वो देखोगे मिक्सचर से क्रिस्टल बन के बाहर निकलते जा रहा है। ठीक है, तो जो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट होता है ना, सी सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सी वाटर से, देखे हो या सुने होगे तुम लोग, सॉल्ट जो बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है वो सी वाटर से, तो सी वाटर से ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही यूज किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट जो होंगे वो देखोगे वहां पे क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकलता है बाहर, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, तो सॉल्ट देखो सॉल्ट जो है सी वाटर से क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वहां पे देखोगे कि सर वो सॉल्ट वाटर को, अगर हमको सॉल्ट को सेपरेट करना है वाटर से, तो इवापोरेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, इवापोरेशन प्रोसेस भी तो यूज कर सकते हैं ना, यस और नो, और क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बेटर कौन सा होगा, तो बेटर कौन सा प्रोसेस होता है ये ध्यान रखना, क्रिस्टलाइजेशन हमेशा बेटर होगा इवापोरेशन से, इट इज बेटर मेथड देन इवापोरेशन, क्यों ऐसा, रीजन बता सकते हो, क्योंकि इवापोरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली हीट कर रहे हैं उसको, तो डायरेक्टली हीट करने से क्या होगा ना, जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना वो देखोगे डिकम्पोज भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि जब हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट करेंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि वो डिकम्पोज कर सकता है, आप क्लियर है, तो वो उसका सब्सटेंस जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह के वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं हम, सॉलिड्स डिकम्पोज, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड्स जो है वो डिकम्पोज कर सकता है, सॉलिड्स डिकम्पोज लाइक सुगर, सुगर में देखोगे जैसे सुगर सॉल्यूशन को, हमको सुगर और वाटर का हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं, तो उसमें हमको सुगर और वाटर को सेपरेट करना है, तो उसको अगर हीट करने लगोगे ना, तो सुगर के केस में देखोगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हीट कर देगा तो वाटर तो वेपर बन के निकल जाएगा, लेकिन सुगर देखोगे वो चार होने लगता है, चार एक्शन सुने हो, वो देखोगे सुगर के पार्टिकल्स जो है डिकम्पोज करने लगते हैं, नहीं देखे हो, सुगर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो देखो वो पिघलने लगता है, यस सर, यस सर, तो उसको बोलते हैं हम लोग चैरिंग ऑफ सुगर, पिघलने का मतलब क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है ना, वो डिकम्पोज हो रहा है, तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल पाएगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में सुगर क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो वो उस फॉर्म में हमको नहीं मिल पाएगा, तो सॉलिड्स डिकम्पोज लाइक सुगर में गेट चैड, उसको चैड बोलते हैं हम लोग, जो डिकम्पोज हो जाता है ऑन पॉसिबिलिटी है डिकम्पोज फॉर्म में मिलेगा हमको, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा वो,
है ना, क्योंकि हाई यस टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है ना उसमें, इवापोरेशन में। यस सर। कैरेमल बन जाएगा मतलब। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुछ कुछ इम्प्योरिटीज जो होगा ना वो सुगर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, तो उसमें बचा हुआ ही रह सकता है। वाटर तो इवापरेट होके निकल गया, लेकिन जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होंगे, जो सुगर में डिजॉल्व होगा, वो तो नहीं निकल पाएगा ना इवापरेट होके, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो इवापरेट नहीं कर पाएगा। वाटर तो इवापरेट होके निकल गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज उसमें घोले हुए थे वो तो इवापरेट वाटर के साथ नहीं कर पाया, तो जो इम्प्योरिटीज है वो तो सुगर में ही बचा हुआ रह गया ना। तो जो सुगर ऑप्टेन करेंगे इवापोरेशन प्रोसेस से, तो वो प्योर सुगर मिलेगा क्या हमको, ये बताओ। नहीं सर, तो नो सर। ये इसके साथ दिक्कत है, इवापोरेशन के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करके तो हम लोग उसको हटा ही है, लेकिन फिल्ट्रेशन से क्या है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज वो नहीं निकल पाते हैं, जो घुला हुआ इम्प्योरिटीज है वो उससे नहीं निकल पाता है। तो उसके बाद जब हम लोग इवापरेशन करेंगे, तो इवापरेशन करने पे क्या होगा बताओ, जो इम्प्योरिटीज बचा हुआ रह गया वो क्या करेगा, उस सॉलिड को कंटामिनेट ही तो करेगा ना, या नहीं? यस सर। दो सॉलिड्स, तो जो सॉलिड इस केस में हमको इवापोरेशन से जो सॉलिड ऑप्टेन होगा, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो इम्प्योरिटीज, वो प्योर फॉर्म में सॉलिड ऑप्टेन नहीं होगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज का पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स रहे, तो प्योर सॉलिड ऑप्टेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा प्रिफर करते हैं इवापोरेशन से, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी उसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है सॉलिड में वो सेपरेट कर देता है। कैसे, जो प्योर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल बन के तो बाहर निकल तो जाएगा, लेकिन जो उसमें घुला हुआ इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज जो है उस सॉलिड के साथ क्रिस्टल बन के नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इम्प्योरिटीज वहां बचा रह गया और जो प्योर सॉलिड था वो क्रिस्टल बन के बाहर निकल गया। सर वो मतलब वो भी तो लिक्विफाइड फॉर्म में मिक्स है शुगर से, तो सर वो जब मतलब सेपरेट क्यों नहीं होगा सर? मतलब वो सेपरेट कैसे हो जाएगा, मतलब क्यों होगा सर सेपरेट? क्रिस्टल जो बनेगा वो क्रिस्टल्स किसका बनेगा, सिर्फ प्योर जो सॉलिड है वही तो क्रिस्टल बना पाएगा, इम्प्योरिटीज थोड़ी ना क्रिस्टल बनाएगा। तो यस सर। इम्प्योरिटीज तो वो उसी में रह जाएगा, लेकिन जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टल बन के बाहर निकलते जाएगा, तो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो गया, क्रिस्टल बाहर निकल गया, ठीक यस सर। है। तो ये फर्क बोलो, सर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करना कैसे है? करना कैसे है, सर मतलब ऐसे जो आप एग्जांपल बताए उसको करेंगे कैसे? उसका प्रोसेस होता है ना क्रिस्टल, उसको हम लोग एक टेम्परेचर पे उसको हम लोग उस तरह से हीट करते हैं, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग है, ठीक है। उसमें देखोगे ये एक्चुअली इसका एग्जांपल है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो वो हम लोग का एग्जाम्पल वैसे नहीं दिया कैसे प्रोसेस करना, देख सकते हो। उसमें हीट करते हैं हम लोग इम्प्योर सॉलिड को, हीट करने पे क्या करते हैं, इवापरेट करते हैं, फिर उसके बाद कूल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखोगे, पहले हम लोग हीट किए, ठीक है। ओके सर। हीट करने पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट वो इवापरेट कर गए, ठीक है। यस जैसे हम सर। लोग वो हमारा सॉल्यूट है उसका सॉल्यूशन बनाए हम लोग, जैसे सुगर इन सॉल्यूशन, सुगर इन वाटर बनाया, ठीक है। तो उसको हम लोग हीट करना स्टार्ट किए, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं। हीट किए तो हीट करने पे क्या हुआ कि ज्यादातर सॉल्वेंट जो है वो इवापरेट होकर निकल गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कूल करना स्टार्ट कर देते हैं। कूल करने पे क्या होगा, जैसे ही कूल करना स्टार्ट करोगे तो देखोगे जो प्योर सॉलिड के पार्टिकल है ना उसमें, वो देखोगे क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकलते जा रहा है कूल करने पे। कूल करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, वापस जो वो हमारा लिक्विड बना था तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्रिस्टल में आने लगेगा ना कूल यस करने सर। पे। तो जो उसमें प्योर सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो क्रिस्टल बन के वो बाहर निकलते जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज उसमें था वो वहीं पर रह जाएगा, वो क्रिस्टल नहीं बना पाएगा। सर वो क्यों नहीं बना पाएगा, मतलब उसको अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो उसको तो बनाना चाहिए। अरे दो प्रोसेस
इज डिफरेंट है ना, ये वो उसी के साथ थोड़ी ना चला जाएगा, सिर्फ का समझ रहे आवाज हो? चला गया। हेलो, यस सर, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रहा है। यस अक्षत, सर, ये सर अब आ रहा है। बोलो। सर अब क्या बोले थे, अभी रिपीट कीजिए ना। क्या बोले थे हम? जैसे ही हीट करोगे, हीट करने के बाद जब मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट निकल गया, फिर कूल करने लगेंगे, ठीक है? कूल करने के लिए, यस ठंडा सर, होने के लिए उसको छोड़ दोगे। बहुत टाइम तक देखोगे, जब ठंडा हो गया पूरा, तो देखोगे कि जो प्योर क्रिस्टल्स है ना, वो देखोगे प्योर सॉलिड जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकल गया है, क्रिस्टलाइज होके, और जो इम्प्योरिटीज है वो उसी में बचा हुआ रह गया, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। यस सर, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो हम लोग कूल कर रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ थोड़ी ना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का तो अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा ना, अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा दोनों के लिए, ठीक है? तो यस सर, उसमें क्या होगा, जैसे ही कूल कर रहे हैं तो बहुत टाइम तक कूल कर होने के लिए छोड़ दोगे, तो जो प्योर क्रिस्टल्स वाले हैं वो देखोगे हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, प्योर सॉलिड जो था वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर, और जो इम्प्योरिटीज है वो बचे हुए रह जाएंगे, वो क्रिस्टल में नहीं आ पाता है, ओके सर, क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता है सॉलिड के साथ। ओके सर, जैसे हमारा जो क्रिस्टल ऑब्टेन हुआ वो प्योर क्रिस्टल है, ठीक है? यस सर, चलो, तो इसके अलावा देखो और भी कोई प्रोसेसेस बचे हुए हैं क्या? फटाफट देखो। बुक में देखो जल्दी से, मेरे हिसाब से तो सारा हो ही गया। यस सर, हो गया। फिजिकल चेंज भी पहले ही पढ़ा दिया था। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस तो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। यस सर, बोलो अक्षत। हम आप पढ़ा दिए थे, हम तो अभी ज्वाइन ही किए हैं। लास्ट क्लास में ही तो पढ़ाए हैं, लास्ट क्लास नहीं किए थे तो सर लास्ट सैटरडे को था, वो किए थे। यस उसी क्लास में तो पढ़ाए थे। भूल सर, हाँ जाते हो, पढ़ के नहीं बैठते हो तुम, क्या बताए हैं? नहीं सर, वो दूसरे लैपटॉप में सर, हम फोन से कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, देख लो एक बार। तो हो गया ये ऑलमोस्ट, क्या पूरा टॉपिक तो हो ही गया इस चैप्टर का, और कुछ बचा हुआ है इसमें बताओ? नहीं सर, चली, चलो तुम लोग का हो गया ये चैप्टर भी, और क्या बचा है इसमें? सर आप ये सर कुछ आप नहीं, बुक कौन सा फॉलो करते हैं? बुक तुम लोग को फॉलो करना है ना। सर मतलब हम लोग का तो लखमीर सिंह चलता है, और एनसीईआरटी का बस बोला गया, यूज नहीं होता वो। सर हम क्या लोग को चलता? सर एनसीईआरटी ही पढ़ाया। लखमीर सिंह, एस चंद। हाँ, तो किसी बुक से पढ़ो यार, कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना ऑलमोस्ट, ओके सर, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। कोई बुक से पढ़ो, तुम लोग पढ़ सकते हो। एस चंद में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा रहता है, उसमें देखना, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे प्रॉपर बुक जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो एनसीईआरटी ही है, रिकमेंडेड बाय सीबीएसई। यस टेक्स्ट सर, बुक जो है वो तो एनसीईआरटी ही रहेगा, बाकी रेफरेंस के लिए तुम लोग अलग अलग बुक यूज कर सकते हो, एस चंद का यूज कर सकते हो, और भी आता है, और भी कोई कोई पब्लिकेशन का आता है ना। यस सर, रीजन यस सर, पब्लिकेशन। तो उसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो तुम लोग, उसमें कोई ओके सर, दिक्कत नहीं। तुम लोग का तो हो ही गया सारा चैप्टर कंप्लीट, और कुछ बचा हुआ है इसमें? नो सर, सब कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, तो तुम लोग का भी दो पार्ट में एग्जाम होगा क्या? यस सर, टर्म वन टर्म टू सितंबर कब है टर्म वन? या अक्टूबर में शायद। अच्छा, तो उसमें कौन कौन सा सिलेबस आ गया, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं?
सर सिर्फ चैप्टर टू, चैप्टर वन तो हट गया सिलेबस से। सिलेबस से ही हट गया। यस सर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब पढ़ना ही नहीं है उससे, पूछा ही नहीं जाएगा। नो सर, नहीं पूछा जाएगा। तुम लोग तो पढ़ लिए। यस सर, स्कूल कोचिंग दोनों में पढ़ चुके हैं। सर एक बार वहाँ जो आप एप्लीकेशन लिखे सर उसका दिखाइए ना एक बार और। हम भेज देंगे पीडीएफ इसका, ठीक है? ओके सर। चलो चलो फिर देखते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं क्या करना है। इधर तो हो गया तुम लोग का, नेक्स्ट क्लास से जब होगा तो देखते हैं क्या करना। अब तो तुम लोग का ऑफलाइन क्लासेस भी खुलेगा इधर भी, तो फर्दर नोटिस। हाँ बोलो सर, हम लोग का तो अप्रैल में ही फॉर्म भरा के मेल करा दिया गया, तो उसका जैसे ही 1 अप्रैल आया तो बंद हो गया स्कूल। क्या चीज का फॉर्म भरा गया? बट वो बोला गया था कि मतलब जो जो स्कूल जो जो आना चाहता है स्कूल, तो वो क्या क्या करके आएगा और मतलब कौन कौन आना चाहता है उसका फॉर्म फिल करके मेल करना है स्कूल को। सर कंसेंट लेटर मांगता है। ओके अभी भी तो वही है रिक्वायर्ड, वो पहले वाला ही काम करेगा और क्या। जाने का मन, तुम लोग को क्या स्कूल जाने का मन नहीं करता है क्या? घर में सर मेरा इतने तो दिन से उस दिन तो एक्साइटेड था, जैसे ही बोला फिर बोर होने लगे सर। कैसे, कितने तुम लोग घर में रहोगे यार? 2 साल से तो घर पे ही हो। मतलब सर वो नहीं, मतलब जैसे ही बोला कि घर में होगा तो फिर बोर होने लगे सर उस दिन। मतलब इतना दिन स्कूल खुला तो अच्छा है। तुम लोग को भी घर से ही मजा आ रहा है नहीं स्कूल क्लास करने में? स्कूल जाने का मन कर रहा है सर, स्कूल जाने को। तो अब खुला तो अब जाओ, नेक्स्ट वीक से जाना फिर। तो हम लोगों को कुछ बुलाया नहीं गया है। बोला जाएगा अगले वीक से आ जाएगा सबका, ऑफिशियल ओके सर। परमिशन आ चुका है तो खुलेगा ही। चलो ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन फॉलो करते रहना है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में वैक्सीनेशन होने के बाद भी केसेस आ ही रहे हैं। यस सर, इंडिया में तो खुद ऐसा है, इंडिया में, यूएस में फिर से स्टार्ट हो गया, 1-1 लाख केस डेली आने लगे यूएस में। अब वहां पे तो ऑलमोस्ट 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी देखो प्रिकॉशन तो आप फॉलो करना ही है, इसका लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। अब जब तक ये वायरस है तब तक प्रिकॉशन लेके ही चलना है। इफेक्ट उतना नहीं होगा वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन फिर भी वायरस इफेक्ट ये पॉजिटिव तो फिर भी कर ही रहा है। सर अभी तो थर्ड फेज भी आने वाला है। देखो कारों में क्या तो, वो कारों में तो आ गया है सर, क्या आ गया है सर थर्ड फेज। अच्छा चलो दो तो ठीक है, मिला था। चलो ठीक है, लेट्स सी, देखो कितने फेजेस आते हैं, थर्ड फोर्थ टेंथ कहाँ तक रुकता है। यस सर। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। चलो।